यहाँ पर हम स्लीव्स बना रहे हैं, तो जो ये स्लीव्स हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ मैं बॉल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने यह बॉल ले ली हैं और इन बॉल को मैं कपड़े पर लपेट रही हूँ। अगर आपसे बॉल नहीं बनानी आती है और आप किसी चीज़ में बॉल का यूज़ कर रहे हो तो आप प्लीज़ ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इस तरीके से मैंने बॉल ली है और बॉल कपड़े में लपेट करके इतनी लंबी लंबी ये कपड़ा कटिंग किया है, तो ये मैंने बॉल बना ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरी स्लीव्स हैं, तो यहाँ पे मैंने ये जो मार्क कर रही हूँ ये 5.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसे बीच में से कटिंग कर दिया है मैंने 5.5 पे इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरे पास एक अलग से पैटर्न है कपड़े का कटिंग हुआ हुआ, तो मैं उस पर रख के इसको पलट दूँगी। मैंने इस टाइप का आपको पहले भी बताया है बनाने का तरीका, ये पर वो अलग डिज़ाइन है, तो यहाँ पर मैं एक और डिज़ाइन आपके लिए लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैं बारीक सिलाई लगाऊंगी ताकि ज़्यादा कपड़ा नहीं लूँगी मार्जिन में, एक पैर का ले रही हूँ बस। इस तरीके से यहाँ मैंने ये सिल करके बीच में जो कपड़ा है मेरा उसको मैं कटिंग कर दूँगी और अच्छे से नोक तक कटिंग करूँगी, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इसको कपड़ा जो हमारा है इसको मैं थोड़ा सा कटिंग कर दूंगी, इतना रहना है कि अंदर की साइड चला जाए सही से। देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर मैं इसको अंदर पलट दे रही हूँ। यहाँ पे हमें एक साइड सिलाई लगा लेनी है पहले इसके, और एक साइड नहीं लगानी है, एक साइड लगानी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है जब आप एक स्लीव बना रहे हो तो यहाँ पे पहले आप एक स्लीव तैयार कर सकते हो और दूसरी स्लीव बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपने दूसरी स्लीव में पहली वाली स्लीव में किधर साइड आपने बॉल लगाई है, तो दूसरी साइड में भी ऐसे ही लगानी है। यहाँ पे पहले हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से, अब यहाँ पर मैंने एक अलग से कपड़ा लिया है। और एक तरफ सिलाई लगा लूँगी। यहाँ मैंने एक साइड सिलाई लगा ली है एंड दूसरी साइड नहीं लगाई है, तो अब मुझे वहाँ पर बॉल को फंसाना है और तब सिलाई लगानी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले ही थोड़ा सा सिल लिया है, ये पक्का कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अपनी जो मैंने बॉल बनाई हुई है उस बॉल को रखूँगी और तब अच्छे से इस पर हम सिलाई करूँगी। पीछे से थोड़ा सा कपड़ा आपको खींच के चलना होगा क्योंकि ये बॉल पे मशीन थोड़ा कम आगे बढ़ती है, तो आपको थोड़ा सा पीछे से कपड़ा खींचना है और बॉल को लगाते जाना है। इसी तरीके से अगर आपको नेक डिज़ाइन बनाना है तो भी आप इसी तरीके से बॉल लगा सकती हैं नेक डिज़ाइन में, तो ये बहुत आसानी से लग जाती है इस तरीके से। यहाँ मैंने ये बॉल अच्छे से लगा ली है। अब जो हमारा ये कपड़ा है मैं इसको अच्छे से तुरप दूंगी, हमारे जो अंदर की बॉल्स हैं वो भी पैक हो जाएगी। और यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे। यहाँ मैंने एक पैर का यूज़ किया है, मशीन में एक पैर लगा करके मैंने ये बॉल लगाई है। ये बॉल एक पैर से काफ़ी आसानी से लग जाती है, तो यहाँ पे एक पैर लगा करके ये बॉल लगाएं। यहाँ मैंने इस तरीके से देखिए बना ली है, तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है। आगे से मैंने इसको तुरप लिया है, यहाँ सब जगह तुरपाई हो जाएगी और ये फिनिश।